ही हारूंगा। आ जाओ, कम ऑन कम ऑन, यस 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 यस, आई गॉट इट। ओफ अल्लाह, ये लड़का कब से बेल बज रही है। बताकर भी गई थी कि बेसमेंट की सफाई कर रही हूँ, कोई आए तो जरा ख्याल रखना। अरे कहाँ रह गई थी बहू, कितनी देर से खड़ी हूँ। माफ कीजिएगा अम्मी, मैं बेसमेंट में थी, आतिफ से कहकर गई थी कि ख्याल रखना, मगर आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ हैं। अच्छा हुआ आतिफ घर में है, बड़ा जी चाह रहा था उससे मिलने का। बहू बुलाना उसे। जी अम्मी, मैं अभी बुलाती हूँ। अच्छा ठहरो, मैं खुद ही चली जाती हूँ, मुझे देखकर खुश हो जाएगा। आतिफ बेटा, आतिफ कहाँ हो मेरे बच्चे। लगता है दादी आई हैं। इस वक्त मेरा दादी के साथ बैठने का बिल्कुल मूड नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। आतिफ, अरे कहाँ हो भाई। बहू ने तो कहा था अपने कमरे में है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। दादा जान, आपके साथ वॉक पे जाने में मुझे बहुत मजा आता है। जीते रहो, लेकिन ये भी तो बताओ क्या मजा आता है। बस मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये तो अच्छी बात है। लगता है आज तो हारिस भाई भी फंस गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो। जी दादा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ बैठ जाओ। हाँ तो हारिस, तुम कुछ बता रहे थे। दादा जान, मैंने कहीं पढ़ा था कि बुजुर्गों के साथ चंद लम्हे बैठना कई किताबें पढ़ लेने से ज्यादा फायदेमंद होता है। और भाई वो कैसे। क्योंकि उनके तजुर्बे से जो कुछ सीखने को मिलता है वो किताबें पढ़ने से नहीं मिल सकता। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। दादा जान, आपने ही तो मुझे सिखाया था। मैंने देखा है तुम ब्रेक टाइम में बच्चों की काफी मदद करते हो, तो कैसे तुम्हारा टाइम जाया नहीं होता। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर मैं अपने साथियों को कोई लेसन याद कराने में मदद करता हूँ तो वो मुझे भी जहन नशीन हो जाता है। हाँ लेकिन ये काम तो टीचर्स का है ना। मगर मुझे दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है, और वैसे भी बुजुर्गों की शफ़क़त सिर्फ खुश नसीब बच्चों को ही मिलती है। शाबाश बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अकलमंद अपने बड़ों के तजुर्बों से सीखते हैं और बेवकूफ खेल कूद में अपना वक्त जाया करते हैं। दादा जान, सबसे पहले आपने ही मुझे बताया था कि कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए। जानते हो, कोरोना से बचने के लिए हमें मास्क पहनने के साथ साथ एक दूसरे के दरमियान फासला भी रखना चाहिए, और घर में दाखिल होते ही अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और हाथों को सैनिटाइज करना मत भूलना, और अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और घर वालों को भी इसकी तलकीन करते रहना। भाई आतिफ मियां, तुम भी अपने बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारते हो ना। इस वक्त मेरा दादी के साथ बैठने का बिल्कुल मूड नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भाई किस सोच में पड़ गए आतिफ। जी जी दादा जान। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे दादी को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था, वो तो मेरे लिए हमेशा दुआएं ही करती हैं। सारी चीजें उसकी पसंद की लाई हूँ, देख के खुश हो जाएगा मेरा बच्चा। बहू काफी देर हो गई है, आखिर ये लड़का गया कहाँ होगा। मुझे लगता है पार्क गया होगा, लेकिन इस वक्त तक तो उसे आ जाना चाहिए। शायद ये मुझसे भागने लगा है। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, बस आता ही होगा। चलो बेटा आप घर चलते। जी दादा जान। या अल्लाह रहम फरमा। आतिफ, आतिफ, आंखें खोलो मेरे दोस्त। आतिफ,
या अल्लाह, न जाने मेरा बच्चा कहाँ चला गया। उसकी हिफाजत फरमा, उसे अपनी अमान में रख मालिक। हारिस, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटे। अगर तुम वक्त पे ना पहुँचते तो ना जाने क्या हो जाता। नहीं नहीं दादी, शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। इंशाल्लाह आतिफ जल्द ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा अब मैं चलता हूँ, दादा जान बाहर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटा, खुश रहो। टेक केयर आतिफ, गेट वेल सून। शुक्रिया हारिस भाई। दादी आप मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरा हूँ। अरे बेटा आखिर बात क्या है? दादी कल आपको देखकर मैं जानबूझकर घर से बाहर निकल गया और ये हादसा हो गया। प्लीज प्लीज दादी मुझे माफ कर दे। अच्छा कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक पुरानी कहावत है, सुबह का भूला शाम में घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आई लव यू दादी। खुश रहो मेरे बच्चे।